सो हेलो गाइज, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क मिथिकल वर्ल्ड का। तो गाइज, आर्क मिथिकल वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में आप लोग ने देखा होगा कि हमने जो है ना गाइज, यहाँ पे मिथिकल वाला जो वाइब्रन था ना गाइज, वाइब्रन एम्परर जो था, उसको टेम करा था। इसको टेम करना हेडेक से कम नहीं था गाइज, काफी ज्यादा तुड़ुक जाम करना पड़ा। बट फाइनली 10-15 मिनट की मेहनत के बाद हम लोग ने फाइनली इस वाइब्रन को यहाँ पे टेम कर लिया था। उसके बाद भाई इस वाइब्रन से हमने जो तबाही मचाई थी ना गाइस, क्या बोले भाई, बैंड बजा के रख दी भाई इस वाइब्रन ने सबकी। वैसे अगर आपने इस वाइब्रन की टेमिंग की वीडियो नहीं देखी है तो मैं बोलूंगा जाके देख लेना गाइस, कुछ घंटे पहले अपलोड हो चुकी होगी। और अभी आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग फाइनली जाके डिमोनिक वाले कुछ डायनोस को टेम करने वाले। वैसे गाइस, यहाँ पे आज का जो एपिसोड है वो मैं शुरू करूँ उससे पहले, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइज। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी गाइज आपको यहाँ पे गेमिंग विद एनी के चैनल की, जिनके चैनल पे जो है ना गाइज, प्राइमल वियर एंड मिथिकल वर्ल्ड की 100 डेज की वीडियोज अपलोड हो चुकी होगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके जरूर से देख लेना। और मैं आपको एक और बात बता दूं मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों की, हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन अनलॉक है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। आपका छोटा सपोर्ट भी हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है गाइस। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, करते आज के इस एपिसोड का शुभ आरंभ बिना किसी देरी के, और मचा डालते एकदम फुलटू तबाही ना मेरे भाई। वैसे गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन से वाले डिमोनिक डायनो को जो है ना गाइस यहाँ पे टेम करूँ। एंड डिमोनिक वाले काफी ज्यादा डायनोस की चॉइसेस तो है अपने पास यार। ये मैं मैलिन बिलिन को टीम मार, ये डिमोनिक को मारू या डोडोरेक्स को मारू, किसको मारू आवा मैडम डिमोन। ए भाई, वो टायरानोसोरस रेक्स है क्या? स्केलेटनाइज, ये गाइस स्केलेटनाइज टायरानोसोरस रेक्स टीम करूँ क्या? उसके लिए क्या चाहिए होता है? बोन कैसा बनेगा रे बाबा? 5 डिमोनिक की बल। अरे यार, इसके लिए तो बॉस को मारना पड़ेगा। छोड़ो, बॉस को मारने के बाद मैं उसको डेम कर सकता हूँ उस रेक्स को। उसको नहीं डेम करते, हम ना मेगाथेरियम को ही कर लेते भाई, ठीक है? मैं मेगाथेरियम और थ्रोनी को दोनों को करता हूँ डिमोनिक में, क्या बोलते हो? अब मेगाथेरियम भाई 5150, थ्रोनी ड्रैगन किधर है बताओ, लेवल बताओ। 4089 डेजर्ट बाय मेयर फुल फुल डेजर्ट बाय में। आज के लिए भाई हम ना मेगाथेरियम को ही डेम कर लेते हैं। मुझे देखना है इसकी मेगाथेरियम का डैमेज कितना जा रहा है, क्योंकि ना ये वाला जो मेगाथेरियम है ना गाइस, ये वाला, इसने यहाँ पे 9 मिलियन का डैमेज दिया है। 9 मिलियन बफोन मेगाथेरियम होने के बावजूद। एंड इसलिए मैंने सोचा कि मैं डिमोनिक वाला मेगाथेरियम टेम करके देखता हूँ उसका डैमेज कितना जा रहा है। क्या पता गाइस हमारे गीगा से ज़्यादा डैमेज जाए। अगर उसका डैमेज गीगा से ज़्यादा जाता है तो गीगा की जगह पे हम उसको यूज़ करेंगे गाइस, ठीक है? अभी मुझे जाना है 5150 पे, जो कि ये क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा डिस्प्ले चेंज हो चुका है? नहीं तो मैं आप अचानक से इतना छोटू कैसे दिखने लग गया? कुछ तो चेंज हुआ है मेरे सेटिंग में गाइस, मेरा व्यू चेंज हो गया क्या गाइस? आपको लग रहा है क्या व्यू चेंज हो गया? ये देखना ना, थोड़ा सा अजीबो गरीब लग रहा है ना गाइस। हाँ, मैं अपने स्क्रीन से थोड़ा दूर लग रहा हूँ, देखना ये देखो मैप भी देखना कितने दूर लेके जा रहा है ये बंदा है। रुक जाओ गाइस, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। कुछ तो गड़बड़े दया, कुछ तो गड़बड़ है, रुको। A few moments later. मुझे गाइस अपने गेम में ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है यार, कुछ तो गड़बड़ है, बट पता नहीं चल रहा क्या गड़बड़ है। हैं, देखना अचानक से भाई मेरा कैरेक्टर स्क्रीन से थोड़ा सा दूर भी दिखाई दे रहा है ना गाइस। पर्सन वर्सन का कुछ ऑप्शन होता है क्या यहाँ पे? ऐसा मतलब कैमरा एफ ओ वी अगर मैं कम कर लेता हूँ अप्लाई, आ मेरी जान ये बढ़ गया था क्या गलती से? अभी देख हाँ, ये कैमरा एफओवी का कुछ सीन था भाई, सही है। चलो लेट्स गो, अभी ठीक है बताओ का भाई। 5150 भाई, चलो देख रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो।
लेट्स गो भाई। ये डेजर्ट नहीं, रेडवुड में यार, रेडवुड में खतरा है बहुत ज्यादा, लेकिन रेडवुड में ना बहुत ज्यादा खतरा होगा। 51 ना, मुझे लग रहा है एकदम रेडवुड के अंदर लेके जा रहा है गाइस मेरे को यार। बस रुक भाई, नीचे चल, यही कहीं पे होना चाहिए भाई, यही कहीं पे तो होना चाहिए। 51 50, ये तो फिरॉक्स है भाई। ये भाई प्राइमल पर इतना खिलाओ भाई, देखो पता है भाई कौन सा डायनो क्या है करके, वो कौन सा डायनो कौन से अटैक करता है, वो तो फिरॉक्स है। ये रहा अपना मेगाथेरियम, 7 मिलियन है, इजी पीजी ब्रो, 7 मिलियन मैं इसको दे पाऊँगा इजीली। रुको कैसे, ठीक है चलो चलो भाई, दे दिया, 3 की बल चाहिए। ए ए हीरो, रुक जाओ गाइस, रुक जाओ, खुद को हीरो समझ रहा भाई, हाँ खुद को चार आने के हीरोक्स। अरे भाई सर, आपको कुछ नहीं करा था यार मैंने, आपको तो एक एरो ही मारा है खाली। किधर गया वो, किधर गया भाई, 2 रुपीज फिरॉक्स किधर गया वो, लाड में बम डाल रहा है भाई, लाड में बम डाल रहा है, बताओ। चलो भाई जी, ये बेहोश होने वाला है भाई, 3 की बल लेके आता हूँ, तीन चाहिए ना भाई टोटल, लेके आ रहा अभी, अब भी लेके आता भाई, अब भी 3 की बल चाहिए होंगे गाइस टोटल, ठीक है। डिमोनिक की बल मेरे हिसाब से जो है ना गाइस 3 बड़े आराम से मैं बना पाऊंगा, और अगर इसने डैमेज नहीं दिया ना गाइस जितना मैंने सोचा है उतना, तो भाई फिर तो दिमाग घूमेगा। मेरे हिसाब से 20 या 25 मिलियन डैमेज है भाई इसका, ठीक है 20 और 25 मिलियन कम से कम, देख दे चलो। डिमोनिक की बल पहले तो 3 बना ले भाई, डिमोनिक की बल, हाँ ये 1 ये 2, ओके, और मेगाथेरियम डिमोनिक वाला, सैडल भी अनलॉक कर लिया, डिमोनिक वाला 1 और की बल, और ये रहा मेगाथेरियम का सैडल, डिमोनिक मेगाथेरियम का सैडल लेके जा रहा हूँ, 3 की बल लेके जा रहा हूँ, एंड यहाँ पे उसको रेड वुड में जो है ना गाइस सैडल बिडल पहना के, क्योंकि रेड वुड में ना थोड़ी सी चीटियाँ बिटियाँ होती है गाइस, ठीक है। और भाई चीटियों का अगर बफ मिला ना भाई इसको, तो भाई बहुत गंदा मारता है ये, इसलिए गाइस रेड वुड में ही मैं जो है ना उस मेगाथेरियम का पावर चेकआउट करने वाला हूँ, देखता हूँ। चलो गाइस, क्यों मेगाथेरियम जो है ना गाइस वो कितना ज़्यादा पावरफुल है गाइस, ठीक है, रेड वुड में ही पता चल जाएगा हमको। आ जाओ चलो भाई, जल्दी कर लो भाई, जल्दी कर लो, हाँ ये बंदर लोग उंगली करेंगे यार इसको, फुल गारंटी बाबा, फुल गारंटी देता हूँ, चलना क्या। हाँ इससे पहले कोई और आके भाई उंगली करे इसको, ये ले जल्दी खा ले भाई, जल्दी खा ले, हाँ और ये भी ले। चलो गाइस मेगाथेरियम इजी पीजी डैम, अगर हमारे पास ओरिजिन एरो हो तो फिर का ही टेंशन लेने का भाई, इजीली किसी को भी नॉकआउट कर सकते हैं हम लोग। ओके रेड वुड में मेरे मरने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस है ना, इसलिए मैंने इसको ट्रैकर खिला दिया। बाप रे, बूम बाम चल रहा है उधर तो, देखो सामने देखो, हर तब धुआई धुआ दिखाई दे रहा है मेरे को तो। इसको क्राइव करके जो ना गाइज इसको ग्लिच होने से बचा रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके चलो लेट्स गो, हेल्थ 100 बिलियन ने 100 मिलियन हेल्थ देगा बैठे, हेल्थ तो तकड़ी है गाइज, 150 कर देता हूँ, 200 ही कर लेता हूँ, चलो 88, हाँ 200 मिलियन गाइज इसकी हेल्थ हो जाएगी, बचे हुए पॉइंट डैमेज में। और जो बूम्बा वहाँ पे कर रहा है ना पहले, चल भाई उसको बेल दे। हाँ वैसे मैं आपको इसका भाई लुक दिखा देता हूँ, देखना गाइस इसका ये लुक है, और इसके अटैक्स की बात करें, ये इसका स्पेशल अटैक है, इसके पास बाइट अटैक है, सी पे मुँह से आग छोड़ता है, और ये इसका स्पेशल अटैक है। और अभी ना 1 मिलियन डैमेज जा रहा है रे, डैमेज तो जा रहा है गाइस, मुझे लग रहा है क्रॉस कर देगा ये क्रॉस कर देगा ऐसा, गारंटी भाई, मुझे लग रहा है गाइस गीगा से भी ज़्यादा पावरफुल जो है ना गाइस ये डायनो होने वाला है गाइस। लेट्स सी, देखते हैं, डाल पट 3 मिलियन, अभी तो नहीं, चीटिया किधर है, गिव मी सम चीटीज, चीटियाज, ओके मदर बेस किया फिरॉक्स, चल बेटा कला, मेरे वहाँ तो गलती से भी जाना नहीं चाहूँगा मैं, उधर में गलती से जाना नहीं चाहूँगा स्पिरिट के सामने ना, अभी फिलहाल के लिए भाई हमारी जो है ना गाइस कुछ भी हैसियत नहीं है, मारते रहे भाई, है तो भाई मस्त ही आप मार दे रहे तो। एफएम के पोजीशन 225 मिलियन भाई हेल्थ इसकी, ठीक है चिटिया आ मेरी जान, इतना
कितना डैमेज जाएगा गाइस बताओ, कितना डैमेज? मार मार मार, 10। पावर अप पावर अप पावर अप नहीं करा है, पावर अप नहीं करा है, पावर अप नहीं करा है। रुको रुको रुको, हाँ मेरे भाई कैसे है रे, नन्हे मुन्ने बच्चों को मार के शेर बन रहा है, बड़ा बड़ा शेर बनेगा तू, शेर बनेगा भेज क्या। ये ले ये ले ये ले ले, डाल डाल डाल, पट से खत्म। गाइस लग रहा है रिकॉर्ड तोड़ देगा, 16 मिलियन। गीगा का डैमेज कितना है गाइस, गीगा का डैमेज कितना है? इम्प्रिंट हो गया क्या, इम्प्रिंट हो गया? 20 मिलियन का मैंने भाई आंकड़ा यहाँ पे रखा था, 20 मिलियन तो हो नहीं पाया, बट 16 मिलियन हो चुका है गाइस। गीगा का गाइस हमारे डैमेज कितना था ये पता नहीं है ना गाइस, एक गीगा का डैमेज मैं यहीं पे चेकआउट करता हूँ गाइस। अरे बंदर सर जी हेलो, 16 मिलियन ना, ठीक है गीगा को बाहर निकाल, मैं गीगा का डैमेज चेकआउट करना चाहता हूँ, मुझे देखना है गाइस कि दोनों में पावरफुल कौन है भाई, गीगा या ये। अरे 16.2, 16.2 इसका जा रहा है भाई, तेरा डैमेज कितना जा रहा है, 16.2 और तेरा। आ गीगा नंबर वन पे यार अभी, अच्छी भाई गाइस गीगा स्टील नंबर वन पे यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई, मुझे लगा था ये तोड़ देगा यार गीगा का रिकॉर्ड, बट गीगा गाइस है भाई पावरफुल थे, मानना तो पड़ेगा भाई। डिमोनिक डायनोस से ज़्यादा डैमेज दे रहा है गाइस गीगा, डिमोनिक डायनोस से ज़्यादा डैमेज दे रहा है। मजाक कर रहे हो तुम भाई, मजाक कर रहे हो? हाँ वो अलग बात है, इसके पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है ऐसे मुँह से आग छोड़ने वाला, ये बम चिकी चिकी बम बम करने वाला, बट डैमेज तो है भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला। ये ले भाई, ये ले भाई, सही है, चलो सही है। गीगा गाइस स्टिल ओपी है भाई यार, ऐसा क्यों हुआ भाई, मुझे लगा था मेरा मेगाथेरियम काफ़ी खतरनाक होगा, लेकिन गाइज इसने भाई यहाँ पे काफ़ी मतलब काफ़ी क्लोज पहुँच चुका था भाई ये, ठीक है। बाकी जो है ना गाइज सबसे ज़्यादा पावरफुल एक ही डायनो है भाई डिमोनिक में, वो है थ्रूनी ड्रैगन पैरासोरस, दो डायनोज है थ्रूनी ड्रैगन और पैरासोरस भाई, मैं जानता ही नहीं तुम लोग को, वहाँ पे बिल्कुल जाना नहीं है गाइज। भले भाई 16 मिलियन डैमेज देने वाला मेरे पास ये मेगाथेरियम हो, बट उस अटैक में मैं जो है ना गाइस कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाऊंगा, 5-6 सेकंड का मैं मानू खाली। और मेगाथेरियम की एक और बात है कि अगर उसका वो जो बफ है वो अगर ख़त्म हो जाता है तो इसका डैमेज हाफ हो जाता है, जो इसका नहीं हाफ भी नहीं यार, हाफ से भी कम हो गया इसका डैमेज, अभी 6 मिलियन डैमेज जा रहा है गाइस खाली, मात्र 6 मिलियन, क्योंकि चीटी वाला बफ जो है ना गाइस वो 2 मिनट के लिए था, 2 मिनट हो चुके हैं और अभी चीटी वाला बफ खत्म और इसका डैमेज अभी 6 मिलियन हो चुका है। सो देखा जाए तो गीगा ना इससे भाई मानना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा भाई होती है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है अभी तक भाई। गीगा को टक्कर देने वाला कोई भी डायनो अभी तक जो ना कैसे हमको मिला नहीं है। कौन मार रहा है अरे, कौन आ रहा है ससुर का नाती, कौन बे कौन बे, लाड़ में भाई लाड़ में मार रहा है भाई, ये लो गाइस, चलो लेट्स गो। सही है भाई मेगाथेरियम काफ़ी ज़्यादा सब खतरनाक है गाइस। आ जाओ भाई इसको ना लेके हम लोग चलते हैं हमारे बेस पे भाई, ठीक है। ये ओरिजिन बियर से फाइट कर लेता हूँ, रुको जो बियर सर हमारी ऐसी चल रही जिंदगी, फायर फ्रिज से तो बैंड बजा दूंगा भाई इसकी। बियर सर हमारी हो क्या हाल चाल भाई, बियर पूरी कोशिश कर रहा है गाइस यहाँ पे जीतने की, पूरी कोशिश कर रहा है बट ना ही जीत पाएगा भाई, नहीं जीत पाएगा। मैं अपने भाई फायर वाले सारे अटैक्स यूज कर रहा हूँ, अरे हवा में उठा लिया क्या, हवा में उठा लिया शायद से भाई, कोने में भाई सब भाई चिपका के मारने की कोशिश कर रहा है मेरे को। ये ले भाई, ये ले भाई, ये ले भाई, ये ले भाई, गीगा अभी तक भाई इसको मार देता रहे, सच में भाई बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। गीगा जो ना गाइस अभी यहाँ पे होता ना इसकी बैंड बजा चुका होता गीगा, बट गाइस ये डिमोनिक मेगाथेरियम एक बियर को मारने में 4 जन्म ले रहा है, हेल्थ कितना बियर का, व्हाट अभी तू मजाक कर रहा है, अभी तक 20% हेल्थ डाउन करी है इसने भाई, गीगा ओपी है भाई खत्म बात। ये भाई ये टट्टी है गीगा के सामने मेगाथेरियम, मुझे लगा 50-60% भाई हेल्थ डाउन करी होगी, ना भाई ना ऐसा कुछ भी नहीं है यार भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक भाई
डायनो निकला भाई, गीगा अपना ओपी है यार भाई, मानना पड़ेगा कुछ भी बोलो भाई, दम तो है गीगा के अंदर, अपने गीगा के अंदर दम तो है। अभी तक 50% बेल डाउन नहीं करी होगी, ये देखना अभी आपको देखना है हमारे गीगा में और इस वेगाथेरियम में क्या डिफरेंस है, देखना है आपको, देखो आपको दिखाता हूँ, गीगा है ना भाई हाँ। देखना अभी गेम देखना गीगा सर कम यार, चेप डालो पेलम पाल मैं इतने टाइम से मार रहा था ना, अभी गीगा क्या, देखना गीगा आते ही इसकी बैंड कैसी बजेगी भाई, गीगा आते ही भाई देखना कैसी बैंड बजेगी, ब्लीडी हो चुका है गाइस, ब्लीडी हो चुका है भाई, ब्लीडी जो ना गाइस हो चुका है भाई, है ये देखो ब्लीडी हो चुका है, थोड़ा सा मरने के कगार पे मेरे हिसाब से तो पहुंच चुका है गाइस, पहुंच गया गाइस मरने के कगार पे भाई, ये लो गाइस भाई, 300 मिलियन खा लिया, हेल्थ बची है भाई, इजी ब्रो, इजी। और गीगा के ऊपर मैं नहीं बैठा हूँ ना, इसलिए जो ना ये धीरे धीरे अटैक कर रहा है थोड़ा, वरना अभी तक कैसे ना कैसे मार देता है इसको, बियर को इजीली मार देता। ये लो 100 मिलियन एक्चुअली में, ये ले भाई खत्म, मर गया भाई, बियर की बैंड बजा डाली भाई, खतरनाक है भाई हमारे गीगा एक नंबर है भाई, कुछ भी बोले यार, गीगा के सामने ना कोई भी टिक नहीं पाता यार, अपने गीगा से पंगा लोगे भले भाई एपिक्स वाला ही है, बट फिर भी भाई दमदार तो है, दम तो है कैसे हमारे गीगा के अंदर। वैसे मिला क्या मेरे को, कुछ एलिमेंट्स मिले हैं, कुछ शार्ट और एक खोपड़ी मिली है, चलो गीगा को क्रायो कर लेता हूँ, एंड मेगाथेरियम को हम लोग जो है ना गाइस लेके घर पे चले जाते हैं गाइस, आ जाओ चलो। मेगाथेरियम गाइस उतना पावरफुल नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया गाइस इतना, मतलब नो ना ही नक्को ले गाइस, ठीक है मुझे इतना पसंद नहीं आया ये। वैसे आपको गाइस ये मेगाथेरियम कैसे लगा ज़रूर बताना भाई, मैंने गीगा से ज़्यादा पावरफुल डायनो टेम करने की कोशिश करी गाइस आज, बट मैं टेम नहीं कर पाया यार, मुझे मिला ही नहीं यार मेगाथेरियम, मुझे लगा था कि दे पाएगा डैमेज मिथिकल डायनोस को छोड़ के, मिथिकल वालों का माइनस में डैमेज जाता है भाई, ठीक है तो मुझे लगा था गाइस ये मेगाथेरियम दे पाएगा ज़्यादा डैमेज, बट ना, मेगाथेरियम भी हमारे गीगा का जो डैमेज है ना गाइज वो मैच नहीं कर पाया। और गाइज एक बियर को मारने की जब बात आई तब मेगाथेरियम भाई यहाँ पे हार गया भाई उस बियर के सामने, कोई ना गाइज गीगा ओपी है अपना, मेगाथेरियम भी ठीक ठाक ही डायनो है लेकिन ओपी नहीं है भाई। वैसे आपको ये मेगाथेरियम जो ना गाइज वो कैसे लगाए जरूर नीचे कमेंट करके बता देना, और बाकी आज का ये वाला जो एपिसोड है हम आर्क सर्वाइवल इवॉल्व प्राइमल फियर एंड मिथिकल वर्ल्ड का वो हम लोग यहीं पे खत्म कर लेते हैं गाइज। अगर आज का एपिसोड और मेगाथेरियम पसंद आया होगा, नहीं आया होगा तो भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं आपसे सीधा अगले एपिसोड में प्राइमल फियर एंड मिथिकल वर्ल्ड के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.